गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नौवीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में उपमा अलंकार के अंगों के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, उन चार अंगों में मैंने दो अंगों को कल लिखा दिया था। उसमें अब दो अंग जो है उसे मैं आज लिखाने जा रहा हूँ। उसमें पहला अंग था अब इसमें दो अंगों को मैंने पहले लिखा दिया है, तीसरा अंग है साधारण धर्म और चौथा अंग है वाचक। साधारण धर्म किसे कहते हैं तो यह जानिए, उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण को साधारण धर्म कहते हैं। इस चार अंगों में से मैंने दो अंग का लिखाया था, उपमेय और उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, चौथा है वाचक। तो साधारण धर्म है उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे दूध सा सफेद चौक, जिससे लिखा है जीवन इतिहास, यह कविता की पंक्ति है और इस पंक्ति में सफेद जो है साधारण धर्म है। और सफेद साधारण धर्म कैसे है तो यह उपमेय चौक और उपमान दूध में समान रूप से है, क्योंकि यहाँ उपमेय चौक भी सफेद होता है और दूध भी सफेद होता है, तो यह साधारण धर्म जो है सफेद ये दोनों में है, उपमेय में भी है और उपमान में भी है, तो यह हुआ साधारण धर्म। हमें चौथा वाचक पद, तो वाचक पद क्या है तो जो शब्द उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करता है उसे वाचक कहते हैं या वाचक पद कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में सा वाचक पद है, आपने यहाँ देखा दूध सा सफेद चौक, यहाँ सा जो है वह वाचक पद है, सफेद जो है यह साधारण धर्म है और चौक जो है उपमेय है, यहाँ चौक जो है उपमेय है और दूध उपमान है। यानी इस पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान हैं। नहीं, दूध हो गया उपमान, सा हो गया वाचक पद, सफेद हो गया आपको साधारण धर्म और चौक हो गया उपमेय। यानी उपमा अलंकार के चारों अंग जो है इसमें निहित हैं, तो यह साधारण धर्म हो गया। वाचक में जो है कि आपने देखा कि जो शब्द उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करता है उसे वाचक पद कहते हैं, तो इसमें सा जो है ऊपर के उदाहरण में आप देख रहे हैं कि सा जो है वाचक पद है, क्योंकि यह दोनों में उपमेय और उपमान में समानता प्रकट कर रहा है। अब अन्य वाचक पद भी हैं, अन्यवाचक पद में जैसा ऐसा से सा सी समान सदृश सदृश त्रह तुल्य नाई जैसा ही तैसा ही आदि, ये जो है अन्यवाचक पद है। अब उपमा अलंकार के दो भेद हैं, उसमें जो निम्नलिखित है, पहला है पूर्ण उपमा यानी पूर्ण उपमा अलंकार और दूसरा है लुप्त उपमा लुप्तोपमा अलंकार, जिसको मैं अगली कक्षा में लिखाऊंगा।